राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर बालोद जिले के गुंडरदेही विधायक व संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। न्यायालय ने एक माह का समय दिया था तो आनन फानन में इस तरह उन पर फैसला लेने की क्या जरूरत थी। राहुल गांधी ने अमन चैन और शांति को लेकर जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा की और लोगों का उनको समर्थन मिला, उनकी लोकप्रियता को देख भाजपा डर गई है, इसलिए हिटलर शाही रवैया अपना रहे हैं। देखिए, ये तानाशाही को दर्शाता है। मैं समझता हूँ प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि किसी बात को लेकर उस पर राजनीतिक बखेड़ा माहौल बनाया जाता तो मैं समझता हूँ उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और जिस हिसाब से राहुल गांधी की सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उनकी सदस्यता को मैं समझता हूँ समाप्त कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं एक तानाशाही को दर्शाता है। हिटलर के बाद आज ये मोदी जी हैं जिन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार। यदि किसी प्रकार की बात है उसके लिए न्यायालय है, लेकिन त्वरित निर्णय ले लेना और तुरंत फैसला करना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं। जब उसको आपने एक समय का एक महीने का समय दिया, उसके बाद ऐसी क्या आन पड़ी कि तुरंत दूसरे दिन फिर उसके उसमें एक निर्णय भी आ जाता है, तो ये मैं समझता हूँ जिस जनप्रतिनिधि को जनता ने चुनकर भेजा है, हो सकता है उनकी बातों से आपको आहत लगी तो उसके बारे में उसको जरूर आप चेतावनी दे सकते हैं या उनके बारे में कार्रवाई की बात कर सकते हैं, लेकिन तुरंत उस पर निर्णय लेना मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा मजाक है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। बिल्कुल वो दिख रहा है कि लोग राहुल गांधी जी के बातों से डर गए, राहुल गांधी जी के उन शब्दों से डर गए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व से डर गए। जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और पूरे देश में अमन चैन और शांति का पैगाम दिया था, यह सबसे बड़ा कारण है। अगर आज राहुल जी मजबूती के साथ सदन में खड़े होकर अपने प्रश्न बोलते थे, प्रश्न पूछते थे, विपक्षी जवाब नहीं दे पाते, तो निश्चित ही राहुल गांधी के प्रति उनकी जो कुठारी मानसिकता है, ये सोच है, वो दर्शाता है कि राहुल गांधी जी कैसे हम सदन में आने से रोके और वो अपने मंसूबे पर कामयाब हो गए। और राहुल गांधी की सदस्यता यदि खत्म की है तो उनके पीछे सबसे बड़ा कारण यही। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।